स्टूडेंट, तो देखिएगा, इससे पिछले वीडियो में हमने फिनोल के अंदर राइमेटिमान, कोल्बे सिमेंट और लेंडरमान से रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अब फिनोल की जो रिमेनिंग रिएक्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो है कपलिंग रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहले कपलिंग रिएक्शन, उसके बाद में जो भी रिमेनिंग रिएक्शन है उन सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो फिनोल, ये फिनोल है, और इस फिनोल का रिएक्शन करेंगे हम डाई एजो बेंजीन के साथ, अर्थात यहां से इसका हम रिएक्शन करेंगे एन डबल बॉन्ड एन प्लस डाई एजो बेंजीन के साथ में। और आप देखो फिनोल क्या है, एसिड है, तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस मीडियम में होगा, अर्थात एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होगा। तो यहां से क्या होगा, तो देखो अब आप, ये जो ग्रुप है आपका, इसके अंदर ये जो ग्रुप हमने बनाया है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोफाइल, और इट इज द पार्ट ऑफ ई एस आर रिएक्शन। तो देखिएगा ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें ये एन पॉजिटिव यहां पर होगा। अब आप देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये रिएक्टेंट है, ईएसआर में ये इस पर अटैक करेगा। तो आपके पास यहाँ पर जो ये आपका जो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट जो है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, मोर होनी चाहिए। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर इजिली होगा। तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस कर, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा, और इसको रिप्लेस करने से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट होगा ये, जिसका नाम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं पेरा एच ओ एच, ओ एच को बोलेंगे हाइड्रोक्सी, और रिमेनिंग जो पार्ट है इसको बोलते हैं एजो बेंजीन। तो यहां से पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और ये एक प्रकार की डाई है। तो ध्यान रखना कपलिंग रिएक्शन जो होती है वो डाई फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये एक आपकी कलर डाई है, और इसका कलर जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, ऑरेंज कलर होता है। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने कहा ये ईएसआर रिएक्शन है, तो क्या है ईएसआर के बारे में वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये फिनोल है। अब आप देखो फिनोल रिएक्टेंट है, इस पर ओएच ग्रुप है, इसका प्लस एम है, और अगर इसका प्लस एम है तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही मोर है, यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बट अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर अगर है, तो ऐसी कंडीशन पर रिएक्शन की जो रेट है, अर्थात रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हम यहां पर यूज कर रहे हैं किसको, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसमें आपका ये डाई एजोनियम ग्रुप है, ये डाई एजोनियम ग्रुप है, ये आपके यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके अंदर यहां पर इस रिंग में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर होना चाहिए। इसके रिजल्टेंट क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, अर्थात रिंग में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और ऐसी कंडीशन पर ये हाईली इलेक्ट्रोफाइल होगा, और हाईली इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से क्या होगा बेटा, मोर रिएक्टिव भी होगा। और ऐसी कंडीशन पर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फिनोल के साथ में ईडीजी ग्रुप होने पर और आपके डाई एजोनियम पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होने पर कपलिंग रिएक्शन जो है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, अरेंज फॉलोइंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल। आपको फिनोल के साथ में डिफरेंट डाइएजोनियम है, इनकी रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है। तो अभी मैंने कहा था फिनोल, और फिनोल पर जब हम डाई एजोनियम का रिएक्शन कराते हैं, डाई एजोनियम क्लोराइड का, तो डाई एजोनियम क्लोराइड यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, और इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप होने पर इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रोल नेचर मोर होगी, तो ऐसी कंडीशन पर रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो आप देखो इसका यहां पर माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है,
इसका भी माइनस एम, इसका भी माइनस एम, बट यहाँ पर टू एनओ टू है तो इसका टू माइनस एम है और इसका माइनस एम वन है। अगर हम इनके माइनस एम के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा एनओ टू का है, फिर साइनाइड का है, उसके बाद में सी एच ओ का है। तो इसका मतलब ए और बी की रिएक्टिविटी सी और डी के रेस्पेक्ट में मोर होगी, ए और बी की रिएक्टिविटी सी और डी के रेस्पेक्ट में मोर होगी। अब ए और बी में अगर हम कंपेरिजन करें तो बी में टू है इसलिए बी पहले आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद में सी और उसके बाद में डी होगा। अब आ जाएगा इसी में क्वेश्चन नंबर टू। अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड द कपलिंग रिएक्शन विद डाई एजोनियम क्लोराइड। अब की बार डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, तो आप देखिएगा ये डाई एजोनियम क्लोराइड है और इस डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ में हम यहाँ पर डिफरेंट फिनोल है इनका रिएक्शन करवाना है। तो अब आप देखो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक करेगा तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मोर होनी चाहिए, अर्थात इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर ई डी जी ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट में कोई ग्रुप नहीं है, सेकंड में यहाँ पर प्लस आई और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन है इसका, यहाँ पर ओ सी एच थ्री का प्लस एम है और यहाँ पर एनओ टू का माइनस एम है। इसका मतलब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बी और सी की रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो ए के कंपेयर में मोर होगी और डी की सबसे लीस्ट होगी क्योंकि डी में एनओ टू ग्रुप है, माइनस एम है। अब बी और सी में अगर हम बात करें तो सी का मोर होगा क्योंकि इस पर प्लस एम है, तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए और ये डी इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने कपलिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें फर्स्ट डाई का फॉर्मेशन किया है, अब हम इसमें सेकेंड यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्तरी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थेलिन, तो अब हम फिनोप्थेलिन के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है जो कि जनरली आपके जो टाइटेशंस होती है उनमें हम इसको यूज करते हैं। और आपका जो फिनोप्थेलिन है बेटा वो इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में हम फिनोप्थेलिन को यूज करते हैं तो वहां पर ये कलरलेस होता है, जबकि अगर इसको हम इन एल्केलाइन मीडियम, अगर इसको हम एल्केलाइन मीडियम में यूज करेंगे तो ये आपके पिंक कलर को शो करता है। किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है तो बड़ा सिंपल है वो देखिएगा। तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, फिनोल और फिनोल के भी 2 मोल यूज करेंगे, तो ध्यान रखना 2 मोल ऑफ फिनोल यूज होगा यहाँ पर, तो 2 मोल ऑफ फिनोल यूज किया मैंने। और इसका रिएक्शन करेंगे हम थेलिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ करेंगे बेटा, थेलिक एनहाइड्राइड, तो ये आपका थेलिक एनहाइड्राइड है और थेलिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन जो होगा वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखना किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H2SO4 में, जहां पर आपका H2SO4 कैटालिस्ट और कैटालिस्ट के साथ साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है जो इस रिएक्शन में फॉर्मेड वाटर को रिमूव करता है। तो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होगा, किस तरह से होगा वाटर का फॉर्मेशन, ये इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन होगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा, इससे जो बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोप्थलीन। तो ये आपके फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर जनरली यूज होता है, आपके जो जनरली टाइटेशंस में यूज होता है, ये फिनोल का स्ट्रक्चर है। इसी के साथ इसमें एक और है नंबर थ्री, नंबर थ्री के अंदर भी इसी के सिमिलर एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसीटोन। अब की बार हम एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसीटोन की रिएक्शन भी सिमिलर इसी के सेम होगी, तो यहां पर भी हम एसीटोन में 2 मोल ऑफ फिनोल लेंगे, तो ये मैंने 2 मोल ऑफ फिनोल लिया है, ये 2 मोल ऑफ फिनोल, और इसका रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ बेटा, एसीटोन के साथ। तो ये मैं इसका रिएक्शन जो है
वो एसी टोन के साथ कर रहा हूं, तो यहां से क्या होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, ये ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा, और यहां से 20, यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 20-फिनोल-A। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, 20-फिनोल-A। तो यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बोलते हैं 20-फिनोल-A, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन में जो वाटर बन रहा है, इस वाटर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर कंसेंट्रेटेड HCl को यूज करते हैं। इसी के साथ आपका ये कपलिंग रिएक्शन जो है उसका पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टाइप की रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसकी कुछ आदर्श रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर हम सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, जिसको हम गाटरमान एल्डिहाइड एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिएगा, फिनोल है, इस फिनोल का रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ। और जब हम इस मतलब फिनोल का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे, तो यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें फॉर्माइलेशन अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में आता है नंबर टू रिएक्शन बेटा, रिएक्शन विद जिंक, फिनोल का जिंक के साथ रिएक्शन। तो हमें पता है कि फिनोल है, अगर हम फिनोल का रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तो आपका जो फिनोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो ध्यान रखना, फिनोल का जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिडक्शन है, अगर हम फिनोल का जिंक के साथ रिडक्शन करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। और आपको पता है अगर बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर इसे हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो मेलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। इसी में आता है नंबर 3। अगर नंबर 3 में बात करें तो रिएक्शन विद H2Ni अर्थात रिडक्शन, क्या पढ़ रहे हैं हम, रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमने फिनोल का रिडक्शन किया है, अगर हमने फिनोल का जो रिडक्शन है वो H2+Ni के साथ किया है, तो यहां पर रिंग का रिडक्शन हो जाएगा और साइक्लोहेक्सेनोल का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपकी ये फिनोल से रिलेटेड अदर्स रिएक्शनें कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ कि जो फिनोल होता वो जनरली कलरलेस होता है, बट इस फिनोल को हम लॉन्ग टाइम तक अगर एयर की प्रेजेंस में रखते हैं, लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एयर, अगर इसको हम लॉन्ग टाइम तक कॉन्टैक्ट रखते हैं, लॉन्ग टाइम कॉन्टैक्ट विद एयर, तो ऐसी कंडीशन पर ये पिंक कलर शो करता है। तो इसका रीजन क्या है, तो बेटा इसका रीजन है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, अर्थात फिनोल लॉन्ग टाइम तक एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब हम यहां पर इसके फिनोल के ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करें, तो ये फिनोल है, इस फिनोल का ऑक्सीडेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी मैंने बोला O2 एयर के साथ प्रो लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक रखते हैं, तो यहां पर इसका पिंक कलर आता है। और इसका पिंक कलर जो आता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेरा बेंजो किनोन,
अर्थात किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, पेरा बेंजो क्यूनोन का फॉर्मेशन होता है। ऐसा ही इसी के अंदर सेकेंड है कि CrO3+H2 जिसको बोलते हैं H2CrO4 क्रोमिक एसिड, अगर हम क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी आपके पेरा बेंजो क्यूनोन का ही फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन K2H2O7 के साथ करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर भी आपके पेरा बेंजो क्यूनोन का फॉर्मेशन होता है। बट अगर हम फिनोल का ऑक्सीडेशन जो है वो H2H2O8 के साथ करते हैं, किसके साथ, H2H2O8 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस मीडियम, तो ऐसी कंडीशन पर पेरा बेंजो क्यूनोन नहीं क्यूनोल क्यूनोल या फिर हाइड्रो क्यूनोन का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना फिनोल वैसे कलरलेस होता है बट लॉन्ग टाइम कांटेक्ट विद एयर पिंक कलर में चेंज हो जाता है जिसका रीजन है ऑक्सीडेशन। फिनोल का एयर के साथ ऑक्सीडेशन पिंक कलर, पेरा बेंजो क्यूनोन के साथ Cr3+ वाटर अर्थात H2CrO4 क्रोमिक एसिड के साथ करोगे तो पेरा बेंजो क्यूनोन, K2H2O7 के साथ करोगे तो पेरा बेंजो क्यूनोन, बट अगर इसका हम ऑक्सीडेशन H2H2O8 के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्यूनोल अर्थात हाइड्रोक्यूनोन का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा अभी हमने फिनोल की ये कंप्लीट रिएक्शनें कर ली है। अब हम यहाँ पर फिनोल में एक स्पेशल कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, उस सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ रिएक्शनें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन अर्थात सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड रिएक्शनें क्या है। तो देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट मैं ले रहा हूँ ये सैलिसिलिक एसिड है और इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मैंने किया है CH3C(OCl), इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं H+ या पिरिडीन की प्रेजेंस में या CH3C(OCl)NH के साथ, जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपके OH ग्रुप के साथ रिप्लेस होगा तो इसके वाया यहाँ से आपके पास जो है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा जो पिरिडिन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और एनहाइड्राइड वाले में आपके पास जो बाई प्रोडक्ट होगा वो एसिड होगा। ये बन गया आपके पास यहाँ पर बेटा एस्प्रिन, और हमें पता है एस्प्रिन पेन किलर होती है अर्थात ये पेन को खत्म करने का काम करती है और एनाल्जेसिक ड्रग्स के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। अब आता है इसी में नंबर 2। अगर नंबर 2 में हम बात करें तो ये फिनोल है मतलब सॉरी सैलेसिलिक एसिड है और अब की बार हम सैलेसिलिक जो एसिड है इसका रिएक्शन करते हैं मेथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, तो अब की बार रिएक्शन OH के साथ नहीं होगा, ये एसिड है ये बेस है तो रिएक्शन यहां पर होगा और यहां पर जब रिएक्शन होगा तो यहां से एस्ट्रिफिकेशन होगा बेटा। क्या होगा, एस्ट्रिफिकेशन, जहां से OH सॉरी एस्ट्रिफिकेशन होगा तो यहां से H और यहां से OH रिमूव होगा और इसके वाया आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा जिसका नाम होगा मेथिल सैलिसिलेट अर्थात एस्टर बन जाएगा और इस एस्टर को हम मेथिल सैलिसिलेट बोलते हैं। और मेथिल सिलिसेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन अर्थात ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का पार्ट है जिसको हम यूज करते हैं परफ्यूम में, यूज इन परफ्यूम अर्थात इसे हम परफ्यूम बनाने के अंदर यूज करते हैं। इसी के अंदर एक और आपका आता है नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3।
अभी हमने सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मैथेनॉल के साथ किया था, और अब हम इसका जो रिएक्शन है वो फिनोल के साथ करेंगे, PHOH के साथ, वही एसिडिक मीडियम में। तो अभी भी वही रिएक्शन होगा, यहाँ से आपका OH, यहाँ से H रिप्लेस होगा। अब की बार मेथिल सैलिसिलेट की जगह फेनिल सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा। अब की बार बेटा फेनिल क्या बनेगा, सैलिसिलेट बनेगा, और जो फेनिल सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा ये आपके इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। तो इसी के साथ आपका ये सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड थ्री टाइप का रिएक्शंस कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, इसी के साथ आपके ये फिनोल की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम यहां से टेस्ट फॉर फिनोली ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। तो अब हम टेस्ट फॉर फिनोली ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और टेस्ट फॉर फिनोली ग्रुप के अंदर भी हम सबसे फर्स्ट जो है लीबर मान से नाइट्रोसो टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या होता है ये लीबर मान से नाइट्रोसो टेस्ट। अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फिनोल इन कंसेंट्रेटेड H2SO4। इसका रिएक्शन हम करेंगे NaNO2, तो यहां से हमें रेड कलर मिलेगा, और जब इस पर हम NaOH मिलाएंगे तो हमें यहां पर ब्लू कलर मिलेगा। तो ये तो इसका शॉर्ट समराइज है, इसको हम पूरा रिएक्शन वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले इसका रिएक्शन क्या होता है वो समझा दूं मैं। फिनोल है, और हम फिनोल का जो रिएक्शन है वो करते हैं आपके NaNO2 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो अब आप देखो, जब हम NaNO2 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले NaNO2 कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान दें। NaNO2 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो यहां से HNO2 नाइट्रस एसिड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात यहां से HNO2 बन रहा है नाइट्रस एसिड। और आपको पता है अगर यहां पर HNO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो HNO2 में आपके पास NO+ इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये रिंग है, तो आपको पता है ये ESR रिएक्शन होगा, और ESR के अंदर आपको पता है यहाँ पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, और ये इसके साथ साथ और तो पैरा डायरेक्टर है, तो इसको पैरा पोजीशन पर अटैच करेगा। तो यहाँ से जो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, ये बन जाएगा। अब आप देखो, ये आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर टॉटोमेरिज्म होगा। क्या होगा बेटा, टॉटोमेरिज्म होगा, तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगा। तो आप देखो जरा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, और एच इस वाले पर आ जाएगा। और जैसे टॉटोमेरिज्म होगा तो इससे अब जो नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये स्ट्रक्चर। जिसका ग्रीन कलर होता है। अब इसका रिएक्शन हम फर्दर फिनोल के साथ करेंगे यहां से, तो इसका रिएक्शन हम फिनोल के साथ कर रहे हैं ये। तो जैसे इसका रिएक्शन हम फिनोल के साथ करेंगे, टेस्ट हो रहा है, तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से जो प्रोडक्ट बनेगा बताओ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे हम यहां से इसका, तो यहां से आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो प्रोडक्ट ये होगा,
ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसका कौन सा कलर होता है बेटा? रेड कलर होता है। और जब हम इसका रिएक्शन यहां से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, एक्सेसिस में है ये, तो यहां से ये HNA के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। इस प्रकार से ये लेबर मान से नाइट्रोसो टेस्ट है, जो कि टेस्ट फॉर फिनोल के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ग्रीन है, फिर रेड है और फिर ब्लू है। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक होती है हेलन। क्या ट्रिक होती है बेटा? हेलन। हेलन में है का मतलब क्या हो गया? हरा ग्रीन। एल का मतलब क्या हो गया? लाल रेड। और न का मतलब क्या हो गया? ब्लू ग्रीन और ब्लू। तो इस प्रकार से हम इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेबर मान से नाइट्रोसो टेस्ट। अब आता है इसी के अंदर सेकेंड, जो सबसे कॉमन है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये फिनोल है, इस फिनोल का रिएक्शन हम FeCl3 के साथ करेंगे, जहां पर थ्री फिनोल हम यूज कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम यहां से इसके 6 मोल यूज करते हैं, तो 6 मोल के साथ मैं यूज कर रहा हूं, तो 6 मोल के साथ यूज करेंगे तो FeOPH होल 6 और -3, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स आपका जो होता है वोइलेट ब्लू कलर का होता है। तो अगर हम फिनोल का रिएक्शन जब FeCl3, कौन सा? न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमें वोइलेट ब्लू कलर ऑप्टेन होता है, जो कि टेस्ट फॉर फिनोल के लिए यूज किया जाता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से इसके नेक्स्ट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 3, अगर हम नंबर 3 में डिस्कस करें, तो नंबर 3 आता है Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, तो यहां से हमें OH Br Br और Br, अर्थात इसका व्हाइट PPT ऑप्टेन होता है, जो कि टेस्ट फॉर फिनोली ग्रुप और टेस्ट फॉर एनिलीन। ध्यान दें, ये फिनोल के साथ साथ एनिलीन का टेस्ट भी है, तो इसको हम फिनोल और एनिल दोनों के टेस्ट में यूज करते हैं, तो इसको हम टेस्ट फॉर फिनोल में भी काउंट करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये बेटा टेस्ट फॉर फिनोलिक रिएक्शन एक कंप्लीट होती है। अब हम यहां से एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं? कि डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड एल्कोहल, अगर हमें फिनोल और एल्कोहल में डिफरेंस करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आपको पता है फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम, तो रिएक्शन विद सोडियम में तो फिनोल भी और एल्कोहल दोनों ही इस रिएक्शन को शो करते हैं। बट अगर इनमें डिफरेंस करना हो, तो वो हम किसके साथ करते हैं? रिएक्शन विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल तो रिएक्शन करता है, बट एल्कोहल रिएक्शन नहीं करता, एक्सेप्ट मेथेनॉल, मेथेनॉल को छोड़कर। तो हमें फिनोल और एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए NaOH को यूज किया जाता है। ऐसा ही एक और पॉइंट है, वो पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड एसिड, अगर हमें एसिड और फिनोल में डिफरेंस करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आपको पता है फिनोल रिएक्शन विद सोडियम भी कर रहा है, रिएक्शन विद NaOH भी कर रहा है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे वही रिएक्शन विद Na, सेकेंड लिखेंगे रिएक्शन विद NaOH, और थर्ड लिखेंगे रिएक्शन विद Na2CO3 या NaHCO3। तो ध्यान रखना, फर्स्ट के अंदर तो फिनोल और आपका एसिड दोनों ही रिएक्शन शो करेंगे, सेकेंड
सेकेंड में भी आपका फिनोल और एसिड दोनों ही रिएक्शन करेंगे, बट थर्ड में फिनोल इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा, बट एसिड इस रिएक्शन को शो करेगा। कहने का मतलब फिनोल CO2 गैस का एवलेशन नहीं करता। इसी प्रकार से हम फिनोल और एसिड में डिफरेंस करते हैं। इसी के साथ आपका ये फिनोल जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।